ये जो आपको मैंने कंट्रोल पैनल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, वो आप उसमें लॉगिन करते ही ऐसे वाले एक पेज पे पहुंच जाओगे। ये वेलकम पेज का टैब है जो आपको खुलेगा। ऐसा लिखा हुआ होगा, क्लिक टू डाउनलोड ऑल इंस्टॉलर्स। इसे क्लिक करके आप अपने सारे इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट में लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेना। ये बताया है कि क्योंकि ये वाले सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं फॉर स्क्रीन कैप्चरिंग एक्टिविटी, सो एक तरह से ये स्पाईवेयर ही माने जाते हैं, इसलिए आपको अपना एंटीवायरस ऑफ रखना है और डिफेंडर को भी आपने इसी तरह ऑफ रखना है, रियल टाइम स्कैन बंद रखना है। और ये काफ़ी कुछ डिटेल में है जिससे आपको इसका बिहेवियर पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको एंटीवायरस अपना बंद रखना होगा, स्टूडेंट को भी बताना होगा कि अपने एंटीवायरस को बंद रखें, क्योंकि ये वाले सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक वायरस की तरह आपके कंप्यूटर को स्कैन करते हैं ताकि स्क्रीन कैप्चर की प्रोटेक्शन हो सके। और ये अच्छे वाले वायरस हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता, तो ये आपको समझना इसके लिए सबसे पहले जरूरी रहेगा। और डाउनलोड जब आपने कर लिया, उसके आगे की बात मैं बताता हूं। पहले ये कुछ टैब होंगे, एक्टिविटी, कस्टमर ग्रोथ, सर्च, क्रिएट न्यू लाइसेंस, लॉग ऑफ, इनकी बात मैं आपको अभी आहिस्ते आहिस्ते कर दूंगा। तो लेट अस से सबसे पहले आपने इसे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने से पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूं कि अगर वीडियो देखने का टाइम ना हो तो आप इसको जल्दी से समझ जाएं। अगर क्विक स्टेप देखने हैं तो सबसे पहले अपना एंटीवायरस ऑफ रखना, डाउनलोड कर लें इंस्टॉलर को। पासवर्ड अनजिपिंग का 123 होगा। सेटअप डॉट ई फाइल इंस्टॉल आपको मिलेगी जो डाउनलोड्स में, उसको इंस्टॉल कर लें। एंड्रॉयड डॉट ए पी की मिलेगी, वो वीडियोज़ को एंड्रॉयड फ़ोन पर चलाने के लिए होगी, और उनमें से एक आधा एनक्रिप्टेड वीडियो आप प्ले करने की कोशिश करना, वो लॉगिन पूछेगा। फिर क्रिएट न्यू लाइसेंस पे जाके आप अपना लॉगिन बना लेना, और वो लॉगिन एंटर करके आपका जो प्लेयर है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये तो समरी है, लेकिन लेट मी नाउ कम टू द डिटेल स्टेप्स। तो सबसे पहले आप demo.zip जो फाइल है अभी डाउनलोड की होगी वो आपके डेस्कटॉप पे ले आइए। उसको डबल क्लिक करिए तो उसमें एक डेमो नाम का फोल्डर होगा। ये इसी फाइल को मैंने डबल क्लिक कर रखा है, तो ये डेमो नाम का फोल्डर है। उसके आप कंटेंट एक बार देख लें कि ये आपको इस तरह से वहां नजर आना चाहिए। उसके बाद आप इस डेमो को ड्रैग करने की कोशिश करें डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि इसको निकाल के डेस्कटॉप के ऊपर ले आएं। जब आप लाएंगे तो पासवर्ड नीडेड का एक बॉक्स मिलेगा आपको। ये पासवर्ड आपका जिप वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे ऑलरेडी होता है, चाहे विनजिप हो या कोई विंडोज का हो, कुछ भी हो, ऐसा पासवर्ड पूछेगा। तो वहां 123 एंटर करना है इनको अनजिप करने के लिए। जब आप उसे अनजिप कर लेंगे तो इस तरह से आपको एक फोल्डर मिलेगा, डेमो के अंदर एक फोल्डर मिलेगा इनक्रिप्टेड सैंपल्स का, एक android.apk मिलेगी, सेटअप फाइल मिलेगी। ये सब क्या है इनका मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये इस फोल्डर में हमने पहले से ही एनक्रिप्ट करके 3 सैंपल फाइल्स रख रखी हैं, उनकी डिटेल में मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये android.apk है आपका वीडियो प्लेयर जो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर चलाने के लिए है, इसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा फ़ोन पे। और एक setup.exe फाइल है, ये फाइल है प्लेयर की फाइल, इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये है बेसिकली आपका विंडोज़ प्लेयर और ये है आपका एंड्रॉयड प्लेयर। सो ये सारे मैं स्टेप आपको अभी एक एक करके बता देता हूं। स्टार्ट करने के लिए setup.exe को विंडो के ऊपर हम इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो
तो ऐसा कुछ सिक्योरिटी वार्निंग आ सकता है, उसे आप फिर भी इग्नोर करके रन कर दें ताकि इंस्टॉलेशन जो आप उसकी कर पाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐसा एक बॉक्स आता रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लें। सेफ्टी के लिए आप इनको चाहे ना चेंज करें, जैसा वो कहे वैसा आप कर लें, लेकिन अगर थोड़े एक्सपर्ट हैं तो सी की जगह डी कर लें तो डी ड्राइव पे इंस्टॉल हो जाएगा, जैसा भी आपको अपना करना है। पर अगर आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन फिनिश करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल होने दें। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपकी कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड कंपनी प्लेयर ऐसे नाम का आएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है कपिला कोचिंग क्लासेस, तो यहाँ पे कपिला कोचिंग क्लासेस प्लेयर के नाम से आएगा। जो भी आपकी कंपनी का नाम है जब आप फाइनली बाय करते हैं तो उस कंपनी के नाम से यहाँ पे आइकन बन जाएगा। अब जो एनक्रिप्टेड सैंपल मैंने दिए हैं उनकी बात करूं, इनमें आपको तीन एनक्रिप्टेड सैंपल मिलेंगे, samp1.mp7, samp2.mp7, samp3_stream.mp7। ये .mp7 हमने एक्सटेंशन बना रखी है वैसे ही। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है कपिला कोचिंग क्लासेस, तो उसका हम एक्सटेंशन बना के ये दे सकते हैं KCS, या जो भी तीन करेक्टर आप बताओगे वो आपकी कंपनी के नाम के हिसाब से हम बना के आपको दे देंगे। तो samp1.mp7 यहाँ पे इसमें हमारा सिर्फ वीडियो होगा, इसमें हमने वीडियो और PDF दोनों इकट्ठे पैक कर रखे हैं, और samp3 वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए samp3 होगा। इस फाइल का साइज, जबकि ये फाइलें MBs में होंगी, ये फाइल बहुत छोटी है क्योंकि ये छोटी स्टब है, ये इसने स्ट्रीम करना है हमारे क्लाउड से, तो इसलिए ये छोटी फाइल होने की वजह से ये इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिकली स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देगी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए मान लीजिए आप samp1 को डबल क्लिक करते हैं, या samp2 को करते हैं, या samp3 को करते हैं, तो एक इस तरह से प्लेयर खुल जाएगा। इस प्लेयर में क्योंकि उसे ऑथोराइजेशन चाहिए होगा, वो एक बॉक्स भी शो करेगा जहां पे आपको लॉगिन आईडी का एक स्पेस मिलेगा। प्लेयर के बारे में बता दूं, यहां पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा कपिला कोचिंग क्लासेस। प्लेयर का नाम अलग से मांगा जाता है तो आपका कपिला कोचिंग क्लासेस प्लेयर हुआ तो वो यहां आ जाएगा। कंपनी का नाम है कपिला कोचिंग क्लासेस, यहां पे आ जाएगा, और ये आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, ये आपके अबाउट अस पेज का लिंक होगा, आप यूट्यूब के लिंक्स भी डलवा सकते हैं ताकि आपके हिट बढ़ते रहें। और क्लिक टू ओपन फाइल जब होगा, इसको क्लिक करने पे भी फाइल खोली जा सकती है और फाइल को डबल क्लिक करके भी खोला जा सकता है, जैसा भी कंफर्टेबल रहे। तो इस वक्त हमने samp1 को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया था, तो ओपन करते ही ये बॉक्स आपके सामने आ जाता है। ये प्लेयर का प्ले पॉज एरिया है, यहां क्लिक करके वो सीकिंग हो सकती है, आगे पहुंच सकता है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ये वर्जन नंबर शो होता है, इसको आप इग्नोर कर दें चाहे। ये मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि प्लेयर को फुल स्क्रीन में ओपन किया जा सके, ये फुल स्क्रीन का बटन है, और यहां से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन यहां से भी की जा सकती है, ये मिनिमाइज के लिए है, ये क्लोज करने के लिए। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट पर्पस यहां रुक जाता है कि लॉगिन आईडी क्या डाला जाए। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अपने स्टूडेंट को तीनों सैंपल वीडियोस, सॉरी अपने एनक्रिप्टेड वीडियोस अपने स्टूडेंट को दे दिए, उसने ये प्लेयर भी इंस्टॉल कर लिया। जब उनमें से एक वीडियो को वो प्ले करने की कोशिश करेगा तो उसको यहां पे ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड का एक बॉक्स शो किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि उसको ये लॉगिन आईडी कैसे दिया जाए। आपने उसको वीडियो दिए हैं तो आपको ऑनलाइन कंट्रोल पैनल पे जाके वो लॉगिन आईडी बनाना है उसके लिए, और वो लॉगिन आईडी फिर आप उसको बताएंगे, वो एंटर करेगा
और वो फिर उसको कंटेंट को उतनी देर तक देख पाएगा जितना आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। ये वाला प्लेयर आपका ऑप्शन टू के थ्रू प्लेयर मिलता है। ये प्लेयर अप्लाई होता है ऑनलाइन कंट्रोल पैनल के थ्रू लाइसेंसिंग के लिए, तो इसमें आपको ऑथराइजेशन का जरूरत पड़ता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, क्रिएटिंग अ लाइसेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। वो फिर जब मैं वीडियो में बताऊंगा कि वापस इस पे आके बता दूंगा कि आप कहां पे एंटर करेंगे और कैसे वो प्ले होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं। ये वीडियो था हाउ टू गेट स्टार्टेड, कि शुरू कैसे हुए इसमें। तो आपने बेसिकली सैंपल डाउनलोड किए, सारा कुछ सैंपल को ओपन करने की कोशिश की, तो एक लॉगिन बॉक्स आपको शो कर दिया गया है। ये लॉगिन बॉक्स आपके स्टूडेंट को शो किया जाएगा। पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आप विद एनक्रिप्टो, हाउ टू एनक्रिप्ट वाले वीडियो में आप उसको देख लेना। ये वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया होगा, या अभी इस प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाउ टू एनक्रिप्ट में आपको पैकेजेस का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आपके 100 वीडियोस हैं, एक सिंगल सेलिंग यूनिट है, तो उनको आप एक पैकेज आईडी आप दे देते हैं, P0001 दे दिया, या आपका सेकंड 50 वीडियोस का सेट है, उसको आपने XPQRS कोई भी 5 कैरेक्टर्स का आपने उसको पैकेज कोड दे दिया, तो आपके कस्टमर को इन 100 वीडियोस में से एक का भी आपने लाइसेंस दे दिया इस पैकेज के लिए, तो उसके सारे 100 के 100 वीडियो जो इस पैकेज से एनक्रिप्ट हुए होंगे वो सारे वो प्ले कर पाएगा। इसी तरह इनके लिए, इसके लिए आप हाउ टू एनक्रिप्ट का वीडियो जरूर देख लें, आपको ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं ये मान के चला हूं कि आप डेमो मोड में हैं, तो आपको अभी जो मिला है वो सारा कुछ EARTH पैकेज से हमने एनक्रिप्ट करके ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तीनों सैंपल इसी पैकेज के लाइसेंस से खुल जाएंगे, तो आप उसके लिए एक लाइसेंस बनाएंगे जिससे ये तीनों वीडियो इकट्ठे खुल सकते हैं। सो आई विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।